हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ, अयान मेरे एक सब्सक्राइबर है, उनकी रिक्वेस्टेड वीडियो है साकिब रज़ा मुस्तफ़ाए बयान हज़रत उमर का ईमान लाने वाला वाक़या। तो स्टार्ट करते हैं, उस वीडियो को देखना। और इनके एक वीडियो के ऊपर मैंने अभी रिएक्शन किया, मतलब अभी जस्ट स्टार्ट किया इनकी वीडियोस देखना मैंने, और दिस इज़ माय सेकंड वीडियो। सो गाइस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को देखना, बट बिफोर आई स्टार्ट इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम अगर आप लोगों ने वहाँ मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। लैलुल्कद्र हस्ती है जिन्हें हुजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांग के लिया। सारे सहाबी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरीद हैं, लेकिन जनाब उमर मेरे हुजूर की मुराद हैं। 39 लोग जब इस्लाम ला चुके, 39वें शख्स हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। और उनका ईमान लाना मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी ढारस और बहुत बड़े हौसले का सबब जरिया बना। तो मेरे हुजूर ने हाथ उठा लिए, कहा ए अल्लाह एक शेर दिया है अमीर हमजा, एक शेर और अता कर दे, अब तेरी मर्जी उमर बिन खत्ताब दे दे या अमर बिन हश्याम दे दे। हुजूर दुआएं मांग रहे और ये हाथ में तलवार लिए गैज़ो गज़ब से भरे हुए घर से निकलते हैं कि बानी इस्लाम का चिराग ही बुझा देना है। रास्ते में एक साहिब मिले और कहा कि उमर तैवर कोई अच्छे नहीं लगते, खैर तो है, किधर जा रहे हो? कहा चिराग़े इस्लाम बुझाने जा रहा हूं, ये रोज का मसला खत्म होने लगा है मेरे हाथों। मुस्करा के बोले घर की खबर तो लो। कहा मेरे घर को क्या हुआ? कहा तुम्हारी बहन फातिमा भी नौकर बन गई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुस्से से भरे हुए अपनी बहन के घर का रुख करते हैं, अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही, गुस्सा और बढ़ जाता है, दरवाजे को जोर जोर से खटखटाते हैं। अहले खाना समझ गए माजरा क्या है, गरजदार आवाज है जनाब उमर की, दरवाजा खोलो जल्दी से। मुअल्लिम को छुपा दिया और बहन आगे बढ़ के दरवाजा खोला, कहा तुम साबी हो गए हो, दीन छोड़ दिया तुम, बुतों की वफा तरक कर दी और बेतहाशा मारना शुरू किया। बहन का सर फट जाता है, खून बहने लगता है और ये मारते चले जाते हैं। फातिमा बिनते खत्ताब बोली उमर तुम खत्ताब के बेटे हो, सुनो मैं भी खत्ताब की बेटी, जो जुल्म जो जबर करना है करो, मैं मोहम्मद अरबी का दामन नहीं छोड़ूंगी। सोचने पर मजबूर हो जाते हैं वो कौन सी ताकत है जिसने बिजलियां भर दी इसके अंदर। कहा जो तुम पढ़ रहे थे मुझे भी सुना सकते हो? कहा तुम्हें गुसल करना होगा, उमर अपने बदन को धो रहे हैं, मेरा रब दिल धो रहा है। इतने में मुअल्लिम भी कुरान लेकर आ जाते हैं और कुरान की तिलावत होने लगती है, ताहा मा अनज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा। 14वीं रात के महबूब चांद, हमने कुरान इसलिए नाजिल तो नहीं किया था कि तुम मुशक्कत में पड़ जाओ। बेताब हो गए, कहा उमर की उम्र बर्बाद हो गई, मुझे ले चलो हुजूर की चौखट पे, तलवार हमायल की है, बहनोई साथ हैं और हुजूर की बारगाह में हाजिर हो रहे। दरवाजे के सुराखों से देखा तो सहाबा तशवीश का इजहार करने लगे कि उमर आ रहा है, तलवार हमायल की है, इरादे अच्छे नहीं लगते। जनाबे अमीर हमजा ने कहा दरवाजा खोल दो, अच्छी नीयत से आया तो इस्तकबाल करेंगे, नीयत अच्छी नहीं है तो उसकी तलवार से उसकी गर्दन काट देंगे। हुजूर के सामने जाके बैठ गए, गले में कपड़ा डाला था, हुजूर ने पकड़ के कहा उमर अभी वक्त नहीं आया कि तुम इस्लाम ले आओ। यही वक्त था उमर के इस्लाम लाने का, लबों पर कलिमा जारी हो गया, अल्लाह अकबर की सदा इस जोर से गूंजी के मक्के की गलियां गूंजने लगी। इस्लाम लाने के बाद हुजूर से पूछते हैं हुजूर क्या हम हक पर नहीं हैं? फरमाया हम हक पर, अल्लाह का दीन सच्चा नहीं है? कहा अल्लाह का दीन सच्चा है।
आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं हैं? फरमाया मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं। तो कहा फिर हम छुप के इबादत क्यों करें? अब मुसलमानों की दो सफें बनती हैं, एक सफ की कयादत अमीर हमजा करते हैं, दूसरी सफ के आगे आगे उमर बिन खत्ताब चलते हैं और हुजूर दरमियान में है, और ये मलकूती काफिला सेहने हरम में आके एलानिया इबादत करता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, उमर का इस्लाम लाना इस्लाम के लिए इज्जत का सबब बना, इस्लाम के विकार की अलामत बन गया। एक एक के दरवाजे पे जाके दरवाजा खटखटा के कहते हैं, वो तो और खबर सुनने के लिए बेचैन थे कि ये बानी इस्लाम की जिंदगी का चिराग बुझाने गया था, कोई खबर लाया होगा। वो कहते हैं, आओ उमर किधर आए हो? कहा तुम्हें बताने आया हूं, कमजोरों से पंजा आजमाई करते रहे हो, आओ मेरे से बात करो, मैं मोहम्मद अरबी का नौकर बन गया हूं। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने फरमाया, जब अच्छे लोगों का जिक्र करो तो मेरे उमर का जिक्र भी किया करो। मेरे उमर की जुबान पर हक बोलता है, सच बोलता है। इन शैतान यफिरु मिन जिल्ले उमर, उमर के साए को देख के शैतान भागता है। अल्लाह अकबर। इस्लाम लाए तो जिंदगी की एक एक सांस इस्लाम के लिए वक्फ कर दी, हुजूर का पहरा दिया, हुजूर की नामूस का पहरा दिया, हुजूर की शरीयत का पहरा दिया। इस्लामी फतूहात फैली तो फैलती ही चली गई, कभी मिस्र फतह हो रहा है, कभी ईरान फतह हो रहा है, आर्मीनिया तक मुसलमानों की अफवाज पहुंचती हैं। 22 लाख मुरब्बा मील पर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की सल्तनत फैल जाती है। अदल व इंसाफ का दौर दौरा होता है। जमाने ने देखा कि गैर मुस्लिम भी अदालत में खड़ा है तो उसे खौफ नहीं होता था कि मेरे से नाइंसाफी होगी, इसलिए कि हुकूमत उमर की चल रही है। वो भी मुतमईन होता था कि मेरे साथ इंसाफ होगा। अब्दुल्ला बिन उमर और उबैदुल्ला बिन उमर बसरा से गुजर रहे थे एक जंग से वापसी पर, तो हाकिम बसरा ने आपको कुछ पैसे दिए कि ये माल गनीमत में जाके जमा करवा देना, और फिर खुद ही मशवरा दिया कि इराक के अंदर फलां फलां चीज बहुत सस्ती मिल जाती है और हिजाज में इन चीजों की कीमत ज्यादा है, तो अगर आप ऐसा कर लें कि ये इन पैसों से खरीद लें और जाके मदीनातुल मुनव्वरा में फरोख्त कर दें तो जो जायद पैसे आप कमाएंगे वो आपके हुए, और यही अशरफियां जो मैंने दी हैं आपको, इतनी अशरफियां बैतुल माल में जमा करवा देना। तुमने मेहनत की होगी, तजारत की होगी, तो जितने बचेंगे वो आपके होंगे। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा। वहां से माल खरीद लिया, मदीनातुल मुनव्वरा में आके बेच दिया। जितनी अशरफियां उन्होंने वहां से दी थी बैतुल माल के लिए, उतनी बैतुल माल में जमा करवा दी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला, बेटों को बुलाया, कहा कि सुना है तुमने कोई कमाई की है? कहा जी हमने तो तजारत की और जो माल लिया था उतना माल ही बैतुल माल में जमा करवाया है। कहा तुम बैतुल माल के पैसों पर कमाई की है, वो पैसे भी तुम्हें बैतुल माल में जमा करवाने पड़ेंगे। ये उमर है रदी अल्लाह ताला। रूमी शहनशाह की बीवी सलाम भेजती है हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया को, तो वो एक दीनार उधार लेकर के उसका इत्र खरीदती हैं और शीशियों में डाल करके उनको भेजती है कि चलो एक रवादारी का अच्छा सबूत फराहम किया जाए। तो वो वापसी पर उन्हीं शीशियों के अंदर कीमती मोती भर के भेजती है, जवाहरात भर के भेजती है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, लाओ ये सारे जवाहरात, सबको फरोख्त करते हैं, एक दिनार उसको देते हैं, बाकी बैतुल माल में जमा कर देते हैं। तो जब अपनी जिंदगी इतनी मोहतात होगी, इतनी खूबसूरत होगी, तो फिर किस तरह कोई गवर्नर ज्यादती कर सकता है। तो हजरत सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना तर्ज जिंदगी और अंदाज मुआशरत इतना सादा और इतना खूबसूरत रखा कि उसके मुताबिक तमाम गवर्नरों को ढालने की तलकीन की। आप जब भी किसी शख्स को बतौर गवर्नर उसका तायुन करते तो उसको ये नसीहतें करते, एक तुर्की घोड़े पे सवार नहीं होंगे, बारीक कपड़ा नहीं पहनेंगे और अनछिने आटे की रोटी खाएंगे, मकान का दरवाजा नहीं लगाएंगे, कोई हाजिब नहीं रखेंगे, चौकीदार नहीं रखेंगे, बवाब नहीं रखेंगे।
जो तुम्हारे तक पहुंचना चाहे डायरेक्ट पहुंच जाए। अल्लाह अकबर। और फिर जब किसी को मुतायन किया जाता, उसकी जायदादें लिख ली जाती कि उसके पास कितनी जायदाद है, वो हिसाब अपने पास रखते। और जब वो माजूल होता या उसका वक्त खत्म होता तो आप देखते कि अब उसके पास जायदाद कितनी है। अगर वो जो पहले आपने अपने पास रिकॉर्ड रखा होता उससे जायदाद उसकी ज्यादा होती, तो हजरत उमर बकिया जायदाद बैतुल माल में जमा करते। अल्लाह अकबर। और ये कैसे था, गवर्नर बोल नहीं सकता था, इसलिए कि हजरत उमर की अपनी बूदोबाश भी इसी तरह की थी, अपना तर्ज जिंदगी भी इसी तरह का। माले गनीमत में बहुत सारी चादरें आती हैं जो सबको तकसीम कर दी जाती हैं। खुतबा जुमा देने के लिए आए तो एक शख्स खड़ा हो गया। उमर खुतबा बाद में सुनेंगे, पहले ये बताएं कि ये जो तुमने कमीज पहनी है ये कहां से आई। माले गनीमत के अंदर जो चादरें आई हैं सबके हिस्से में एक एक चादर आई। आप नाराज कर दें, एक चादर से कमीज नहीं सिल सकती, तो आपकी कमीज कहां से आई, पहले इस सवाल का जवाब दे दीजिए फिर खुतबा सुनेंगे। अल्लाह अकबर। आपके बेटे खड़े होते हैं, कहा एक चादर से मेरे बाप की कमीज नहीं बनती थी, मैंने अपने हिस्से की चादर भी अपने बाप को पेश की है। उसने कहा अब सुनाओ और हम सुनते हैं। यह है हजरत उमर रजी अल्लाह तआला की अपनी जाती जिंदगी। अयाज बिन गनम के बारे में यह पता चलता है कि वो मोटे कपड़े नहीं बारीक कपड़े पहनता है। उसने घर के दरवाजे पर बवाब भी रखा हुआ है, चौकीदार भी रखा हुआ है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने मोहम्मद बिन मुसलमा को भेजते हैं। मोहम्मद बिन मुसलमा जाते हैं और जाके तहकीक करते हैं तो ऐसा ही पाते हैं, तो उनको वहीं गिरफ्तार करके ले आते हैं और हजरत उमर के दरबार में पेश किया जाता है। छड़ी उसके हाथ में देकर फरमाते हैं जाओ तुम बकरियां चराया करो, तुम गवर्नरी के लायक नहीं हो। एक गवर्नर को बकरियां चराने पे लगा देते हैं इसलिए कि तुमने उन उसूलों से उन जाब्तों से इन्हराफ किया है जो एक सल्तनत के जुम्मेदार के लिए लाजिम और जरूरी हैं। दौरे मौजूद के हुक्मरानों को, चाहे वो अरब के हुक्मरान हो चाहे वो अजम के हुक्मरान हो, अगर वो इस्लाम का नाम लेते हैं तो उन्हें अपने आमाल का जायजा लेना होगा कि हम खड़े कहां हैं। तो ये था वीडियो हज़रत उमर का वाकया, और मैंने पहली दफ़ा इनका वाकया मतलब सुना है। हज़रत उमर तो मुझे पता था कि वो मतलब ईमान लेकर आए थे, बट किस तरीके से लेकर आए थे मुझे इस बारे में नहीं पता था। और उनका सोचने वाली बात है, पहले वो जिस इस्लाम के ख़िलाफ़ थे, जिस चीज़ों के वो दुश्मन थे, नबी को नहीं मानते थे, किसी चीज़ में उनका यकीन नहीं था, और जो उनकी बहन थी जब वो घर में जो है नमाज और कुरान शरीफ वगैरह पढ़ती थी तो वो उनको मारते थे और कहते थे ऐसा तेरे ऊपर क्या जादू कर दिया है जो तू इतनी ज़्यादा मगन रहती है। मतलब एक वो ही हज़रत उमर तभी भी वही थे और बाद में कितना ज़्यादा मतलब ट्रेमेंडस वाला चेंज आया उनके अंदर कि नहीं थे तो नहीं थे और आए तो वो ऐसे आए कि मतलब जो एग्जिस्टिंग मुस्लिम हैं आज के दौर में भी वो भी उनकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। जिस तरीके से वो आए एकदम हुकूमत को बांध के रखा उन्होंने और सारी चीज़ों को डिसिप्लिन से किस तरीके से चलाया, बिल्कुल इस्लामिक रूल को फॉलो करते हुए। इनफैक्ट मुझे वो चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी जो उन्होंने एक चीज़ बताई ना कि वो उस ज़माने में क्या होता था कि जो लोग होते थे जिनके पास जितनी प्रॉपर्टी होती थी वो अपनी लिखवा के रखा करते थे कि हमारे पास इतनी ज़मीन जायदाद जो भी है। तो जब उनका आखिरी वक्त होता था और जब उनका वक्त नज़दीक होता था तो उस वक्त हज़रत उमर क्या करते थे कि वो पूरा बैलेंस करते थे कि जितना इसने शुरुआत में जो है एक रिकॉर्ड रखवाया था क्या अभी उतनी है या नहीं, मतलब उसके हिसाब से वो अंदाज़ा लगाते थे कि अब कितनी होनी चाहिए। और अगर वो ज़्यादा बैठती थी ना उनकी प्रॉपर्टी सारी तो वो उसको तकसीम कर देते, यानी गरीबों में बांट दिया करते थे। वो चीज़ कितनी ज़्यादा सही है। मतलब मैं यही सोच रही थी कि यार जो हुकूमत को भी उन्होंने बिल्कुल अपने हिसाब से चलाया और वो बिल्कुल एक कहने का मतलब है जैसे आज के दौर में हम बोलते हैं ना करप्शन कितना ज़्यादा फैल गया, तो अगर इस तरीके से चीज़ें चले ना जैसे हज़रत उमर के दौर में उन्होंने सारी चीज़ों को बैलेंस किया तो सच में ये करप्शन सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। नबी ने भी उनकी तारीफ़ में मतलब इतना कुछ कहा कि मतलब वो उनसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते थे और उनका ईमान लाने का वाकया वाकई काबिले तारीफ़ है। यार माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे ये बयान और मुझे बहुत कुछ चीज़ें पता लगी हैं जो मुझे पहले हज़रत उमर के बारे में नहीं पता थी। और मैंने ये चीज़ देखी है कि जब कोई मतलब
गलत से सही ट्रैक पर आता है ना, तो वो बहुत अच्छे से आता है। ये चीज़ मैंने खुद देखी है। यू बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था। सो गाइज, दिस वॉज माई रिएक्शन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो। अच्छा लगा, पसंद आया तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।